हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर और आज हम नाउंस के ऊपर फोकस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द नाउंस इन ब्रैकेट्स। नंबर वन, द एंशिएंट डैश ऑफ ग्रीस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, स्टोरी और हिस्ट्री। इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सी ऑप्शन को चूज़ करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे हिस्ट्री। द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ग्रीस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नंबर टू, हिज डैश वॉज स्वॉलन एंड ही कुडन गेट हिज शू ऑन। यहाँ पर भी आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, फुट और लेग। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे फुट। हिज फुट वॉज स्वॉलन एंड ही कुडन गेट हिज शू ऑन। इसका मीनिंग है कि उसका पैर सूजा हुआ था और वह अपने शू को नहीं पहन पाया। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर आपने फुट को चूज़ करना है और स्वॉलन वर्ड का मीनिंग होता है सूजा हुआ। ठीक है, नंबर थ्री, द स्ट्रॉन्ग डैश स्पॉइल द गेम। यहाँ पर आपके सामने फिर से दो ऑप्शंस हैं, विंड और एयर। विंड एंड एयर में से आप कौन सी ऑप्शन को चूज़ करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे विंड। द स्ट्रॉन्ग विंड स्पॉइल द गेम, यानी कि तेज़ हवा ने गेम को ख़राब कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपने विंड ऑप्शन को चूज़ करना है। एयर वो होती है जिसे हम ब्रीद करते हैं, ठीक है, जिसके हम सांस लेते हैं, जिससे सांस लेते हैं उसे हम एयर कहते हैं, और जब हवा चलती है तब हम उसे विंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर फोर, मिस्टर कपूर इज़ माई लॉयर एंड आई हैव बीन हिज डैश फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर आपने कस्टमर और क्लाइंट में से कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है? यहाँ पर आपने लिखना है क्लाइंट। मिस्टर कपूर इज़ माई लॉयर एंड आई हैव बीन हिज क्लाइंट फॉर मैनी ईयर्स। नंबर फाइव, द डैश ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन हैं, सीनरी और सीन। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे सीनरी। द सीनरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सीनरी वो होती है जो किसी स्टेट या किसी कंट्री की, जब आप किसी कहीं पर घूमने जाते हो तब आपको वहाँ पर उसकी सीनरी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आप हिल्स और माउंटेन्स की बात कर सकते हो। नंबर सिक्स, देयर वॉजंट मच डैश एनीवेयर। देखिए, यहाँ पर शेडो और शेड दो ऑप्शंस हैं, तो आपने यहाँ पर शेड लिखना है। शेड वर्ड का मीनिंग होता है छाया। ओके, देयर वॉजंट मच शेड एनीवेयर, इसका मीनिंग है कि कहीं पर भी ज़्यादा छाया नहीं थी। यहाँ आप कह सकते हो कि ज़्यादातर एरिया में धूप थी। ओके, सो आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट डन इट येट। थैंक यू।